हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये सात झूठ औरत मर्दों से बोलती है। लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड से ये सात झूठ बोलती हैं, औरत अपने पति से ये सात झूठ बोलती हैं। कहा जाता है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं टिक सकती है, लेकिन रिश्ते में व्यवहार के साथ कुछ झूठ बोल देते हैं। लेकिन रोमांटिक रिश्ते में व्यवहार में ना कुछ झूठ बोल देने से रिश्ते पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। और इन मामलों में जो होती है ना लड़कियां या फिर औरत बहुत ही ज़्यादा माहिर होती है झूठ बोलने में। अक्सर वो अपने बॉयफ्रेंड से ना इन मामलों पर बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलती है और लड़के समझ नहीं पाते हैं, मर्द समझ नहीं पाते हैं। लेकिन समस्या तो तब आती है जब लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से इस झूठ को सही मान बैठते हैं और फिर शुरू हो जाती है नाराजगी और मनाने की दौर। तो आइए जानते हैं ये सात झूठ क्या क्या है। अगर आप किसी औरत से प्यार करते हो तो औरत आपके साथ ये सात झूठ जरूर बोलती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये सात झूठ औरत मर्दों से बोलती है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सीधा ही हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट के बारे में। गर्लफ्रेंड के सामने में किसी और लड़की का तारीफ के बारे में ना सपने में भी मत सोचना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके सामने में है ना, तो आप किसी औरत का तारीफ भूल से भी मत करना। किसी औरत का या फिर किसी लड़की का ना तारीफ आपको नहीं करना चाहिए। भले ही वो कहे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सब कुछ सुनती है और नोटिस भी करती है, ध्यान भी देती है। और जिस दिन आपका खराब होगा ना, वो बहुत सारी खरी खरी आपको सुना देगी। तो आपको ना अपनी गर्लफ्रेंड के सामने में किसी औरत की तारीफ नहीं करना। आपको अपनी पार्टनर के सामने में किसी भी औरत का तारीफ नहीं करना है। अगर आप अपने पार्टनर के सामने में किसी भी औरत का तारीफ करते हो ना, तो औरत को ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और किसी दिन ऐसा टाइम आता है अगर आपका दिन खराब होना, तो आपको ना बहुत कुछ सुनाने लगती है। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहे मैं तो खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, तो भाई समझ जाइए वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रही है आपसे। क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने के लिए ना अलग से समय निकाल कर तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा मेकअप करती है, तब ना आपके साथ मिलने के लिए आती है। अच्छे से ड्रेस पहनेगी, अच्छे से शूज़ पहनेगी, तभी ना आपसे मिलने के लिए आएगी। लेकिन ये बात आपको बिल्कुल भी जताना नहीं चाहती है कि वो आपसे झूठ बोल रही है। तो भाई औरत जो होती है ना ऐसे ही झूठ बोलती है। अगर वो आपको कहे कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, तो वो ना अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है। वो सिर्फ आपको कह रही है कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। तो बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पूछने पर कहे मुझे भूख नहीं लगी है, तो आपको ना भाई समझ जाना पड़ेगा वो सरासर झूठ बोल रही है और उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से उसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ना लेके जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड जो है ना नाराज हो जाएगी। तो लड़कियां ना या फिर औरत ना आपसे झूठ ऐसे ही बोलती है। अगर उनको भूख लगी है ना, फिर भी आपको बताएगी भूख नहीं लगी है, लेकिन उनको ना भूख बहुत ही ज़्यादा लगी है। आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ना लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में। अगर गर्लफ्रेंड आपसे किसी ड्रेस या शूज़ के बारे में पूछे वो उसके ऊपर ख़राब लग रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए वो झूठ बोल रही है और वो आपके मुँह से सुनना चाहती है। ये चीज़ उसे जच रही है, अच्छी लग रही है, वो सिर्फ आपके मुँह से सुनना चाहती है ड्रेस कैसा लग रहा है, शूज़ कैसा लग रहा है। अगर आप उनका तारीफ करते हो ना, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो खुद से झूठ बोलती है कि शायद के अच्छा नहीं लगता है, शायद के बुरा लगता है, ये पहनी हो तो ख़राब लगता है। तो औरत या फिर लड़कियां जो होती है ना अपना तारीफ सुनने के लिए ऐसे ही झूठ बोलती हैं। तो बात करते हैं हम लोग पाँचवें टिप्स के बारे में। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऐसा कहे, तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रही है। वो चाहती है कि आप उसका ख्याल रखें, फिर केवल उसके साथ पूरा समय बिताएं। अगर अगली बार आपकी गर्लफ्रेंड कुछ ऐसा बोल दे, तो तुरंत आपको ना समझ जाना चाहिए वो झूठ बोल रही है। बात करते हैं हम लोग छठा पॉइंट के बारे में। कभी कभी आप जब गर्लफ्रेंड को मूवी या फिर डिनर या फिर डेट पर जाने के लिए पूछते हो ना, तो वो झट से ना मना कर देती है या फिर घुमा फिरा कर कहती है उसे कुछ भी नहीं पता। तो भाई आपको ना समझ जाना चाहिए वो झूठ बोल रही है। उसको जाने का मन है मूवी देखने के लिए, उसको जाने का मन है डिनर पे,
उसको जाने का मन है डेट पे, इसीलिए वो ना आपसे कुछ भी नहीं कहती है, ऊपर ऊपर आपको ना मना कर देती है कि मुझे पता नहीं। असल में क्या होता है ना, उसको जाने का मन होता है। तो इन चीज़ों को ना आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ना समझ जाना चाहिए कि औरत ऐसा ही झूठ बोलती है, ऐसा ही छोटी छोटी झूठे ना बोलती है। तो बात करते हैं हम लोग सातवें पॉइंट के बारे में। अगर किसी बात को पूछने पर आपकी गर्लफ्रेंड कहे जो चाहे वो करो, तो आपको ना समझ जाना पड़ेगा भाई, आपको समझ जानी चाहिए वो आपसे झूठ बोल रही है और चाहती है आप उसकी बात को चुपचाप मान लिया करो। तो औरत जो होती है ना भाई, ऐसे ही छोटी छोटी झूठे ना बोलती रहती है। अगर उसका दिल करता भी है ना, तो आपसे ना कभी भी नहीं कहती है, वो ना ऊपर ऊपर आपको झूठ बोलती है। तो उस झूठ को ना आपको समझना पड़ेगा। तो भाई ये थी सात झूठे, औरत ना मर्दों से अक्सर ऐसी झूठे बोलती रहती है। इन टिप्स के जरिए से ना आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि औरत कैसे कैसे झूठ बोलती है, किस तरह से झूठ बोलती है, औरत मर्दों से क्या क्या झूठ बोलती है, लड़कियां लड़कों से क्या क्या झूठ बोलती है, लड़कियां बॉयफ्रेंड से क्या क्या झूठ बोलती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप तो समझ ही गए होंगे लड़कियां कैसे कैसे झूठ बोलती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।